इस न्यूज के प्रायोजक हैं रॉकेट प्लस, लाइट ऑन पॉकेट, बिग ऑन परफॉर्मेंस, रॉकेट प्लस, द ग्रेट खलीका, वादा, रॉकेट ईबी चले सबसे ज्यादा। रॉकेट प्लस की डीलरशिप लेने के लिए दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें 9878740455। हिंदी में बात करता हूँ। आज मैं अमृतसर सुबह ही आया हूँ बम्बई से। सुबह आते ही मैं वाल्मीकि मंदिर जो अमृतसर में है वहाँ माता देखने को गया। वाल्मीकि मंदिर से सीधा मैं अभी गोल्डन टेंपल यहाँ आया हूँ माथा टेकने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। आने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शन में होशियारपुर से मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। होशियारपुर ये कॉन्स्टिट्यूंसी है कि वहाँ से हमारे पिताजी ने 1964 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अकेले लड़के ने 1964 से लड़ाया था इलेक्शन। 9000 वोटों से उनकी पीछे रह गए। आज वही इतिहास में दोहराने के लिए इलेक्शन के लिए यहाँ होशियारपुर का इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन लड़ने के पहले मैं बोला सभी मंदिर डेरे वहाँ मत्था टेकने के जाओ, उनसे आशीर्वाद लो। यही मकसद आज मेरा है यहाँ अमृतसर आ। बाबा साहब पंजाबी चाहना, बाबा साहब भीम राव अंबेडकर जी के पुत्रे साहब इतने आना ही इस करके पिया कि जो संविधान मुताबक पंजाब नहीं पूरी भारत के संविधान मुताबक कुछ नहीं हो रहा। जो हिंदी में जरा पूछेगा तो हिंदी में लग रहा है आज के समय में बाबा राम अंबेडकर के जो संविधान है उसको चुनौती दी जा रही है। उसको चुनौती मिल रही इसके लिए मैं आज राजनीति में उतरा हूँ और राजनीति में मैं पंजाब स्टेट का ऐलान किया। पंजाब स्टेट से मेरी राजनीति शुरुआत करने जा रहा हूँ क्योंकि यह पंजाब में बाबा साहब को मानने वाले सभी संप्रदाय के लोग हैं और संविधान जो बाबा साहब ने हमें दिया था पूरे देशवासियों के लिए, कोई समाज के लिए नहीं, कोई धर्म के लिए नहीं, तो पूरे भारत के नागरिकों को। आज वो संविधान आज धोखे में है, उसकी टेम्परिंग हो रही है, छेड़छाड़ हो रही है, देश संविधान पर नहीं चल रहा है। आज किसी भी लीडर को उठा के अंदर कर रहे हैं और उसको बेल नहीं मिल रही है। केजरीवाल का उदाहरण है, जो केजरीवाल की सरकार इस पंजाब में है, इस प्रकार के आज बर्ताव इस पूरे देश में है। देश में पूरे डर और भय का वातावरण है भाई, विशेषतः पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के लिए। इस प्रकार की नीतियाँ इस सरकार ने, जो मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार है, जो केंद्र में बैठी है, उन्होंने अपनाई है। विरोधी पार्टियाँ जो विपक्ष पक्ष है उनको ख़त्म करने का ये साजिश है। इनको अंदर डाल दो और इलेक्शन में हम फिर से जीतेंगे, ये इनका मकसद है। इसको हम लोग को ज़ोर से विरोध करना चाहिए, लोगों की मूवमेंट रोड पर लानी चाहिए। आने वाले समय में मैं समझता हूँ 2024 का इलेक्शन, पार्लियामेंट का इलेक्शन, भारत की जनता समझदार है, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाली है, संविधान को मानने वाली है। प्रजा लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक राज्य देश है हमारा, वो जानती है इसके लिए। और जो जो संविधान के साथ पार्टियां है खड़ी हो चुकी है संविधान को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो उसके साथ जाएगी और ये सरकार के पतन हो जाएगी, ये विफल हो जाएगा, उनको तीसरी बार नहीं मिलेगी। मैं तो इंडिया गठबंधन में हूँ। एक तो पहला संविधान का मुद्दा है, देश का मुद्दा है भाई। देश की जो पिछाड़ी चल रही है, देश आगे चलना चाहिए था, आज वो पिछाड़ी पर चल रहा है।
मसद में, एक दूसरे समाज में आज नफरत की जो फैल रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है भाई, दोनों पक्ष को लड़ा रहे, झगड़ा रहे, मंदिर मस्जिद का वाद यहाँ चल रहा है, सरकार उत्पन्न कर रही है। इसके लिए भाई एकते का संदेश, समानते का संदेश, न्याय का संदेश देने के लिए मैं यहाँ से इलेक्शन चुनाव। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देखते हो? पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर अच्छी है भाई, केजरीवाल की सरकार है तो पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। अज बाबा साहब भीम राव अंबेडकर जी के जेडे पोते आ सवेरे उतरे इत्थे एयरपोर्ट ते मैं उन्होंने रिसीव करन गया ते उन्होंने कहा कि आप हरिमंदर साहब बाल्मीक तीर्थ पहला आप बाल्मीक तीर्थ मत्था टेकया हुण हरिमंदर साहब आए हैं। जदों भी कोई बिगल बजाउणा आ वड्डा देश नूं बचाउण लई, कौम नूं बचाउण लई, मजहब नूं बचाउण लई, तो सब तो सरमोर हरिमंदर साहब है जिथों आप बिगल बजावे तो कामयाबी अवश्य होगी। इतने आके जिन्होंने झूठिया कसम खादिया अज तू पता ही है कितने बैठे आ, लेकिन अज असी जोड़ा हरिमंदर साहब से कसम खाने कि लॉ एंड आर्डर जोड़ा पूरे भारत से भी खराब है तो पंजाब ज़्यादा करके आम पार्टी ने जो किया सारे पता आ, लारे कुछ किते खास करके एससी समाज के नाल बहुत सारी अत्याचार किए, पांच सत्त बारी तो सानू टाइम दे के असी कोई बाल्मीक तीर्थ के मुद्दे पर मिलना सी, कुछ दिहाड़ीदारा की दिहाड़ी नहीं बढ़ती उस मुद्दे पर चार पांच बारी सीएम साहब टाइम दे के सानू मुकर गए मिले नहीं। लेकिन मान साहब नू भी मैं एक रिक्वेस्ट करता कि मान साहब ताड़ी पहली तो आखिरी बारी सी आम पार्टी की पंजाब, क्योंकि पंजाब का हर धड़ा ताडे तो नाराज परेशान आ, किन्ने हजार करोड़ तुसी जड़ा लैके बैंकों के उत्तों लोन RBI तो लोन लैके सेंट्रल गवर्नमेंट तो लोन लैके पंजाब ते सिर्फ अपनी एडवरटाइजमेंट तो बाद कुछ नहीं किया। तो मैं सारे पंजाब वासियों को कहना कि 76 साल हो गए आपां नूं कुट खांदे आ, पत्रकार वीरां नूं भी अज तक कोई सहूलत नहीं सरकार वल्लों, इन्हां दे भी बाल बच्चे आ भाई, इन्हां नूं भी रोटी चाहीदी आ, सरकार साडी सरकार आउण ते इन्हां नूं 25,000 हर महीने, चाहे वह वैब चैनल आ चाहे कोई भी चैनल आ, जिहड़ा पत्रकार ते जिहड़े वख वख धार्मिक स्थानां दे स्थानां ते एक ड्यूटी निभाउंदे आ चाहे वह किसी धर्म ना भी आ, उन्हां दे जिहड़े सेवादार आ उन्हां नूं भी 25,000 रुपया असीं देवांगे। आम आदमी पार्टी दोबारा फिर दावा कर रही है कि 31 दिसंबर तक असीं पंजाब 'च नशा बंद कर देवांगे, की कहना चाहुंदे? बाबा जी ये तो तुहानूं पता आ, विजय कमल प्रताप दे बयान सारी दुनिया ने देखे आ, उन्हां दे अपने लीडर कह रहे हैं कि नशा कौन बेच रहा है, पुलिस की शह से विकता तो गौरव सॉरी राघव चड्डे के क्लोज बंदे ही है बड़े बड़े लीडर ते पुलिस मुलाजम, दो साल च नहीं होया जदों आप ही बेचन लग जाएंगे रोकेगा कौन? एक घर के जिहड़ा घर का मुखी आ उही भ्रष्ट आ ते दूसरा की कर सकता? दो साल च तुसी पत्रकार मेरे तो बैटर जानते हैं कि दो साल च तो इन्हां तो होया कुछ नहीं, 15 दिन च किहड़े जादू लियाउणगे ते इह खत्म कर देंगे नशा। नशा खत्म करना तो भगवंत मान साहब पहला आप शराब पीनी छड्डे फिर कर दे, मेरा इन्ना ही आ। श्रोमणी अकाली दल ते बीजेपी वक्खो वक्खरी अज की लड़ रहे ने? श्रोमणी अकाली दल ते बीजेपी क्यों अलग अलग? कई बार राजनीति इदा आ भी हाथी के दंद खाने होर तो खाने कुछ आ, मेरे तो बैटर जानते। थैंक यू वेरी मच।